और भाई हमने ले लिए 4 एम सील। बताऊंगा किस चीज़ के लिए लिए। लेके चलता हूँ डायरेक्ट। अंकल हेलो बोल दो। बिलिंग वगैरह होगी, अब निकलते हैं दूसरा काम निपटाने के लिए। ये अपनी बिरयानी आ गई है और इतनी तेज भूख लग रही थी कि आधी निपटा भी दी। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भाई अपना छोटे छोटे 2-4 काम है, अब क्या क्या काम है वो बताता हूँ। एक तो एक बैग है उसका, रेन कवर जो होता है ना, वाटरप्रूफ रेन कवर कुछ भी कह लो, वो गुम हो गया, तो एक बार वो बैग दे के आना है, वो रेन कवर नया आएगा उसका। चलो आपको बैग वाली शॉप पे मिलते हैं, बाकी आगे आप देखते जाना कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं आज। और भाई हमने ले लिए 4 एम सील। बताऊंगा किस चीज़ के लिए लिए। लो जी गाइस, दुकान पे आ चुके हैं, इन्हीं भैया को देते हैं बैग और चलते हैं। भाई एक डबल साइड टेप भी ले लिए, ये सारा बाद में बताऊंगा क्यों ले रहे हैं हम ये सारा सामान। द नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और आज हम कल वाला व्लॉग ही कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस, और अभी हम जा रहे हैं कहीं खर्चा करने थोड़ा बहुत। अब बता दूंगा तो फिर आप व्लॉग कैसे देखोगे यार, व्लॉग भी तो देखना जरूरी है ना यार, तो बताऊंगा नहीं, ले के चलता हूँ डायरेक्ट। भैया सन्नी घर आए थे, भाई गणेश जी आए थे, मतलब आ रखे हैं अभी भी, तो यहीं पे ही आ रखे थे यार। अंकल हेलो बोल दो। हेलो भाई, तू भी बोल दे, उधर बाद में बुलाऊंगा। लो जी गाइस, अब सन्नी घर से निकल चुके हैं, अब आ गए हैं सेक्टर 15। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सेक्टर 12 दिल्ली रोड। अब हम सेक्टर 12 दिल्ली रोड क्यों जा रहे हैं भाई, यहाँ क्रोमा का शोरूम है, वहाँ जा रहे हैं पावर बैंक लेने। वैसे दो तो पड़े हैं अपने पास, एक 20,000 वाला, एक 10,000 वाला, फिर भी एक 20,000 वाला और ले आते हैं, कहीं इमरजेंसी के लिए यूज़ हो जाएगा। रास्ते में ऐसा ना हो ना कि दोनों पावर बैंक ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर अपने पास चार्जिंग के लिए कुछ बचे ना, क्योंकि गोप्रो की बैटरीज वगैरह भी बहुत है, बहुत के मतलब 3 बैटरीज है, तीनों चार्ज करनी पड़ती हैं, फिर हमारे फ़ोन वगैरह भी हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यूज़ हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घर आ जाएगा वापस। और उसके बाद भी एक दो छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे कह भी सकते हो, बड़े भी कह, एक आधा बड़ा भी कह सकते हो, वो काम भी निपटाने हैं, बताऊंगा नहीं, फिर आप यहीं से छोड़ दोगे यार, दिखाऊंगा डायरेक्ट जब निकलेंगे ना तब बताऊंगा। तो अब डायरेक्ट क्रोमा के शोरूम में ही मिलते हैं आपको, मिलते क्या है, 2 मिनट लगने हैं वहाँ पे पावर बैंक लेने में, तो वहीं चल के दिखाते हैं। हाँ जी गाइस, पहुँच चुके हैं क्रोमा, पार्किंग कहाँ लगानी है, सामने ही लगा देंगे। लो जी आ गया भाई क्रोमा, अब 2 मिनट लगाएंगे, फटाफट पावर बैंक फाइनल करते हैं और निकलते हैं। ये वाला पावर बैंक फाइनल करा भाई, और बिलिंग हो रही है वहाँ। हाँ जी गाइस, पावर बैंक ले लिया, बिलिंग वगैरह होगी, अब निकलते हैं दूसरा काम निपटाने के लिए। और भाई मंगवाने को तो पावर बैंक ऑनलाइन भी मंगवा सकते थे MI की साइट से या फिर अमेजोन वगैरह से, पर वहाँ की डिलीवरी थी 3-4 दिन बाद की, पर मेरे को परसों निकलना है लद्दाख के लिए, तो इसलिए हमने कहा कि भाई स्टोर से खरीद लेते हैं बाहर से ही। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए, आपको बताया था ना पार्टी में जा रहे हैं, तो जब वहाँ से आ रहे थे वापस, तो भाई एक तो रात का अंधेरा हो रखा था और गड्ढे थे, गड्ढों में पानी भरा हुआ था, इतना दिख ही नहीं रहा था, वो गाड़ी उसके अंदर चली गई, तो भाई लेफ्ट साइड से टायर की साइड से तो बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही है, गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है, तो इट हर्ट्स यार, बहुत दर्द हो रहा है दिल पे, तो इसलिए अब चल रहे हैं फटाफट पहले गाड़ी ठीक करवाते हैं। ये बड़ा काम है मेरे लिए, बाकी किसी के लिए ना हो तो कुछ कह नहीं सकते। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है इसको भी और मेरे को भी, तो अब देखते हैं कोई बिरयानी वाला मिलता है तो बिरयानी खाते हैं यार। पहले सुनाऊँ क्या आपको भी आवाज़ गाड़ी में से जो आवाज़ आ रही है, अभी कोई गड्ढा आए फिर सुनाता हूँ आपको भी। भाई ये दिख गई है बिरयानी की रेडी, अब यहाँ पे बिरयानी निपटाते हैं फटाफट, चौक के ऊपर ही लगा के खड़े हैं गाड़ी अपना, ऐसा ही है भाई। ये अपनी बिरयानी आ गई है और इतनी तेज भूख लग रही थी कि आधी निपटा भी दी, उसके बाद वीडियो बनाई है। खाली बिरयानी एक नंबर की थी, और भाई जो रेडी में खाने में मज़ा आया ना, मतलब रोड साइड, वो मज़ा किसी 5-स्टार होटल में भी नहीं है, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि इनका टेस्ट एक नंबर रहता है यार। हाँ वो है प्रोडक्ट थोड़े इनके लो क्वालिटी के रहते हैं, थोड़े के ज़्यादा ही, पर कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है साथ, अपना पीते हैं और निकलते हैं फटाफट।
आ गए गाइस सियारा मोटर्स पे। ये अपने भाई की दुकान है, दोस्ती यारी में ही है, यहीं पे ही आते हैं हम तो। क्यों भाई सौरभ? बिल्कुल, गाड़ी को चेक करने जा रहे हैं। ये गाड़ी जा रही है अब टेस्ट ड्राइव के लिए, देखेंगे क्या दिक्कत है इसके अंदर। जी गाइस, अपना उसी दुकान से निकल चुके हैं काम करवा के। काम कोई ज़्यादा बड़ा था नहीं, इंजन बे के नीचे प्लास्टिक का कवर रहता है, उसकी बस क्लिप निकली हुई थी तो वो रोड पे घिसड़ रहा था, तो बस उसी की आवाज़ थी सारी। अब वो सीट का लॉक लगवा लिया, तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और शॉकर का भी बताया, शॉकर भी ख़त्म होने वाले हैं तो चेंज करवा लो। तो हमने बोला कि अभी हम नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? कहीं से हमारे अरेंज हो सकते हैं शॉकर है कुछ, तो वहाँ से अरेंज करवाएंगे शॉकर, उसके बाद डलवाएंगे इसमें। घर जाके भी एक दो और काम है। एक तो अभी मेडिकल किट रेडी करनी है, मेडिकल स्टोर चलेंगे, दवाई वगैरह लेके आएंगे जो जो चाहिए, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए यार। ये भाई लोग जा रहे खाटू श्याम आज रात को, ठीक है जी। जी गाइस, अब पाउच खरीदे दो, एक अपना गोप्रो के माउंट वगैरह के लिए और एक मेडिकल किट के लिए। दूसरा व्लॉगर बन रहा है तो देखो, गोप्रो लेके बैठा हाथ में। और अभी हम जा रहे हैं गोप्रो पे अपना टेम्पर्ड वगैरह लगवाने। पीछे वाला टेम्पर्ड है ना जो मेन स्क्रीन का, वो निकल गया था, तो एक बार वो लगवाते हैं, उसके बाद जाते हैं मेडिकल स्टोर। दवाई सारी इकट्ठी कर लेंगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ की भी। किसी भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, अपना दवाई खाओ, अपना ओके की रिपोर्ट हो जाओ। बिल्कुल अंकल बदमाश, अंकल ने गाड़ी रोक दी पूरी, बदमाश है अंकल जी। धमका रहे अंकल ने, धमका दिया, सेट कर दिया ड्राइवर। हाँ जी गाइस, इसका एक टेम्पर चेंज करवाना था पीछे, यही वाला करवा दिया चेंज। अब जा रहे हैं मेडिकल स्टोर, दवाई लेते हैं सारी। अब पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ चाहिए वहाँ जाके। एक डायमोक्स का तो पता है, एक वो लेनी है, बाकी जैसे जैसे जो होगा सब ले लेंगे। चलो जी, जी गाइस, रास्ते में दुकान आ गई थी बैग वाली, ये देख लो, जिनको कल बैग दिए थे वो, सॉरी रेन कवर बनाने के लिए, तो रेन कवर भी रेडी हो गया था, तो रेन कवर भी उठा लिया। अब चलते हैं आगे। आ गए जी मेडिकल स्टोर, अब फटाफट चलते दवाई लेते हैं, अपना घर चल के रेस्ट करेंगे यार। सुबह से निकले पड़े हैं, घूम रहे बाहर। भाई सारी दवाइयां ले ली हैं, सारा मतलब जितनी भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से सारी ले ली। अब कोई टेंशन नहीं है, मतलब बाहर से लाने का कुछ सामान भी नहीं रह गया, बस सारा सामान घर पे पड़ा है। अब उनको पैक करना है, बस यही टेंशन है। बाहर से सारा सामान आ चुका है, दवाइयाँ, बाइक के स्पेयर पार्ट, सब कुछ। अब घर चलते हैं, बहुत तेज धूप हो रही है बाहर, थोड़ी देर अपना रेस्ट करेंगे एसी उसी चला के, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। चलो जी भाई, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने ले लिया पेप्सी। ऐसा ही है भाई, अपना मुँह चलता रहना चाहिए, बोलने में नहीं खाने पीने में, तो ऐसा शरीर हो जाएगा मेरे जैसा बिल्कुल। तो गाइस कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।